नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यह खबर है जौनपुर के बदलापुर तहसील क्षेत्र के सरोखनपुर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर जनपद जौनपुर के एम्बुलेंस के जिला कोऑर्डिनेटर अरविंद कुमार से ड्यूटी लगाने के विवाद में एम्बुलेंस चालकों ने मारपीट कर जिला कोऑर्डिनेटर को गंभीर रूप से घायल कर मौके से फरार हो गए। वहीं घायल को अस्पताल कर्मियों द्वारा इमरजेंसी वार्ड में उपचार हेतु ले जाया गया, जहां पर जिला कोऑर्डिनेटर की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं घायल के द्वारा बदलापुर कोतवाली पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए दोनों आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है, जबकि मेरे द्वारा एम्बुलेंस के उच्च अधिकारियों को ड्यूटी बदलने की जानकारी दी जा चुकी है। इसके उपरांत काफी संख्या में एम्बुलेंस चालकों ने घायल कोऑर्डिनेटर को लेकर बदलापुर कोतवाली पहुंचे। फिलहाल कोतवाली पुलिस घायल के लिखित तहरीर के आधार पर दोनों एम्बुलेंस चालकों संतोष मिश्रा तथा देवेश यादव पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर न्यूज के साथ। धन्यवाद। मैं 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ और एक गाड़ी पे जबरदस्ती दो लोग ड्यूटी कर रहे थे, संतोष मिश्रा और जयपेश यादव। मैंने उच्च अधिकारी अपने पीएम सर से बात किया कि सर ये लोग जबरदस्ती ड्यूटी कर रहे हैं। पीएम सर का निर्देशन आया कि आप दोनों तीनों लोग को जो भी उस पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको हटा के और तत्काल दूसरे पायलट की डिप्लॉय कर दो। मैंने दूसरे पायलट को आज भेज दिया हूँ। ये लोग कहे हम लोग ड्यूटी नहीं देंगे, आप आइए हम लोग ड्यूटी सर दे देंगे। मैं कहा चलो ठीक है, मैं आया हूँ अस्पताल पे और गाड़ी सीधे ले आके मेरे पैर में लड़ा दी है। मैं गिर गया हूँ और चक्का रिंच मोटा वाला राड है 2 इंची का, उसको निकाल के